तो आप लोगों के डिमांड पे ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोनों पार्ट्स को, ताकि मैं इसी तरह से मैथ्स के भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, मैथ्स के क्वेश्चंस के, और जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछेगा उसका भी वीडियो, उसके पहले मैं सेट्स भी अपलोड करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है परसों के एग्ज़ाम के लिए चलते। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन को देख ले, अभी तुरंत फ्लैश हो रहा है, आप वहां से भी फर्स्ट पार्ट के वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, आवर फोर फादर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स। स्लैब्स का मतलब है कि हम गुलाम हो जाएंगे उन मशीनों के, हम लोग गुलाम हो जाएंगे इसीलिए वो मशीनरी इन्वेंट नहीं करते थे। वाल्टर डेलामेयर वॉर्न हुए थे 1873 को, ऑप्शन नंबर सी 32 का। 33 द ग्रेट वॉवल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश के टाइम टुक प्लेस हुआ था 1350 AD 1350 के टाइम, तो ऑप्शन नंबर बी, और ये चला था 1500 तक मिडिल इंग्लिश, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। जॉन डोने एक मेटाफिजिकल पोएट थे, ऑप्शन नंबर बी। बर्नार्ड रसल को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज 1950 यानी कि हमारे, मैंने तो ट्रिक रखा था इसका ध्यान कि जब हमारा गणतंत्र दिवस मतलब जब हमारा संविधान रचा गया था तब, तो ऑप्शन नंबर सी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट लैंड को किसने कंपोज किया था, तो टी एस इलियट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग टू, ये जो पूरा सेंटेंस है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है 37 का, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, से अभी तक AD 1500 से अभी तक मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। मैकबेथ और जूलियस सीजर शेक्सपियर ने लिखा था। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन, से बहुत ज़्यादा नई है ये। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम्ब, जो है जो ऑट टू ऑटम से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी 41 का। 42 जो और भी लैंग्वेजेस हैं जो बाहर से आके इंग्लिश में जा चुके हैं, जैसे ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये सभी सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन में मैन से अभी कभी भी अपना फेथ लॉस्ट नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर 43 का, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर। सेवईज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स, वो बीजों को कलेक्ट करता था, सेवई 44 का ए। द लाइन होपिंग टू की इज नॉट टिल डेथ, ये फायर हाइमन का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो हम ऐसा उड़ाते हैं कि हम उड़ रहे हैं, हम हमेशा से उड़ते आ रहे हैं, या फिर हम हमेशा से उड़ेंगे, जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हमको ऐसा फील होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। एंड एज वी वॉक, जब हम चलते हैं वी मेक द प्लेज, हम लोग को ऐसा फील होता है डेट वी सेल ऑलवेज फ्लाइट, कि हम लोग हमेशा उड़ते रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। सावित्री जो है जो अरविंद घोष ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन द सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी। आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये रसल ने लिखा था, वी रसल, ऑप्शन नंबर डी। वाल्टर डेलामेयर हमें ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ के बारे में अवेयर करते थे, बताते थे, तो 50 का ए। इसमें एक और ऑप्शन डी बहुत सारे लोगों ने कहा है ए और सी में, तो मैंने प्रीफर किया इसमें ए, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एलिजाबेथ के बारे में इन्होंने एन एपिटाफ में ये बातें कही थी, तो 50 का ए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन जो आपको राउंड सा दिख रहा है बीच में, उसको आप टच करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।